Lisa! Lisa! कैरिन, आखिर तुम कर क्या रही हो ये? क्या तुम जागे हुए हो? क्या तुम नहीं ले सकते ब्रेकफास्ट काम पे जाने से पहले मेरे साथ? क्या तुम थोड़ी देर और नहीं सो सकती? मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे में तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता, सो जाऊंगा। एल्विन, हाँ, आज तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, मैं शायद मैकी से मिलूं उसके ऑफिस में। ओके, क्या तुम ला सकते हो एक बोतल वाइन आज रात घर के लिए? कोई जरूरत नहीं, घर में बहुत है। क्या तुम इसे कर दोगे? मैं खाली हाथ नहीं आना चाहती, शर्मिंदगी महसूस होती है। प्लीज, मैं कर लूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे जाना होगा। जाओ फिर। तुम कमाल हो।
अब तो जाना ही होगा, आज मुझे शुरुआत करनी है। क्या तुम लड़कियों से पूछोगी कि वो फ्री है? क्या मतलब? इस वीकेंड? ओ हाँ जरूर, मेरा है कहना मैकी को, मत भूलना वाइन। मैंने चेक किया है उस घर को, हमेशा से खाली ही रहा है वो घर जंगल के बीच में। शायद तुम सीधे अंदर जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये तो बढ़िया है। चलो अच्छा है, अब पिकनिक के लिए एक जगह बन गई छुट्टियों में। पर क्या शोर है, वहां कोई नहीं रहता? हाँ बिल्कुल, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे खबर कर देना। वादा करो ध्यान से रहोगे वहाँ? हाँ जरूर, हम ध्यान से रहेंगे माँ। और अगर तुम बोर हो जाओ तो पापा और मैं आ जाएंगे वहाँ। किसी को चाहिए विस्की? एल्बन? नहीं मुझे नहीं पसंद विस्की, आपको तो पता है। मैं नहीं सकती हूँ विस्की, छोटी वाली। ठीक है, अच्छा माँ क्या मैं लूँ एक और बियर? ये है क्या? तुमने और भी कोई प्लान बनाया है गर्मियों की छुट्टियों में? मैंने सोचा है बाहर जाने का अगस्त में, मुझे वक्त मिले तो। अच्छा थैंक्स, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम भी आ जाओ उस कैबिन में। हाँ तुम मछली पकड़ो या हेल्प करो पापा को। हाय अच्छा है मम्मा, हम सोचते हैं। हाँ सोचते हैं। क्या करेंगे वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का? इलेक्शन? इलेक्ट्रिसिटी कैबिन में। मुझे लगा तुमने कहा इलेक्शन। वो कोई समस्या नहीं, मैं वहाँ पावर ले आऊंगा टेम्पररी काम की जगह से। मैं सभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ काम करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने समय से वो कॉटेज खाली है? पता नहीं, 5 साल से शायद। क्या वहाँ पर है फर्नीचर? हाँ बिल्कुल है, मैं तुम्हारे लिए नक्शा बना दूंगा। वहाँ कुछ अनजानी सड़कें हैं पर हम ढूंढ लेंगे। बढ़िया है डैड। चलो चीयर्स करें इलेक्शन के लिए। मैंने फिर से इलेक्शन कर लिया। इलेक्शन के लिए चीयर्स। तुम भी ईवा। कैसा लग रहा है? अच्छा है थैंक यू। ओके अच्छी लग रही हो। ओके बाय बाय। हाय तुम तो पसीने में हो। सॉरी मैं जिम में थी मारी के साथ अभी। क्या तुमने पिकनिक की बात की? सॉरी वो नहीं आ सकती। क्या वो पक्का आ रही है? चलो शांति मिली, ये अच्छा हुआ। टॉप भी आ रही है तो हम 4 लड़कियां हुई। बहुत बढ़िया, तो हम ले जाएंगे अपनी कार। अच्छा तो लड़के उनकी कार ले जाएंगे, बढ़िया है। और कौन आ रहा है? एल्विन और मार्कस ऑफ कोर्स, पर मैंने उससे अभी तक बात नहीं की। पर क्या तुम उससे बात कर लोगी? मेरा ख्याल है वो बिजी है अपने दोस्तों के साथ, शायद वो ना आना चाहे। मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो, वो चालू खिलाड़ी है। ऐसा नहीं कह सकती, तुम उसकी बहन हो। इसलिए मुझे पता है कि वो कैसा है। तुम मेरे भाई को नहीं जानती। अगर मैं कसम खाऊं कि मैं उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी तो? ये कैसी कसम है? ओके मैं उसे नहीं बुलाना चाहती पर बुला लेती हूँ। कितना मजा आएगा। मगर उसे बताओ कि हम 3 सिंगल लड़कियां आ रही हैं वहाँ। जरूर बताना। जरूर जरूर मैं उसे बता दूंगी। यहाँ कस्टमर आने वाले हैं तो। ओके ओके मैं जाती हूँ, बाद में मिलते हैं। मैं कितना उत्साहित हूँ। लीना तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या है? इंतजार का फल मीठा होता है। मैं कितनी खुश हूँ तुम आ गई, मैं शायद तुम्हारे बिना नहीं आती। मेरा कमीना बॉस मुझे छुट्टियाँ ही नहीं देना चाहता था। तो कैसे मैनेज किया? मैं अब वापस ही नहीं जा रही। मारी आज रात हम सब एक साथ हैं, सबका मूड फ्रेश हो जाए। हाँ, हम साथ हैं। मेरे पास है अच्छी वाइन लीना, तुम्हें पसंद आएगा उसका स्वाद। ये मीठी और सूखी है एक ही साथ। ओके शबाब के साथ शराब। मारी तुम्हें करना चाहिए वाइन रिव्यूज, मीठी और सूखी एक साथ। लीना रुको, वहाँ साइमन है। क्या वो आ रहा है? हाँ उसे बताया तुम आ रही हूँ। थैंक्स मदद के लिए, पर मुझे तो मौका ही नहीं मिला सजने संवरने के लिए। हाय बहना। हाय हाय। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ थैंक्स।
ऐसा लगता है कमाल की होगी छुट्टियां इस बार। साइमन मैं आऊं तुम्हारे साथ? नहीं ऐसा लगता तो नहीं। एल्विन को आगे ड्राइव करने कहो, हमें रास्ता पता नहीं। ओके ओके, मैं उसे बता दूंगा। वहीं मिलते हैं, बाय बाय साइमन। बाय। हाय साइमन। हाय, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, देखकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। ये मार्कस। हाय। मैं मार्कस। साइमन। हाय। क्या ये भाड़े की कार है? नहीं, ये उलूफ की कार है। क्या हुआ तुम्हारी कार को? अभी भी है मेरे पास। क्या पक्का है? हाँ। अच्छा सुनो, लड़कियों ने हमें पहले गाड़ी चलाने को कहा है, उन्हें रास्तों का कुछ पता नहीं है। ओके, कहाँ जा रहे हैं हम? एक कॉटेज जो मेरे पापा ने ढूंढा हमारे लिए। चकास। लेकिन ज्यादा मजा आता उस कार में। ये रास्ता 3 मील तो नहीं था। हम कहाँ हैं? रुको भाई, बताता हूँ। हाय मार्कस, कैसे हो? हाय 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 एल्विन, हम कहाँ पर हैं? हमें कहाँ जाना है? हमें सीधे अंदर जाना वहां से। वो कितना हॉट है इधर का भाई। तो चले। चलो मारी अभी। हाँ मुझे लगता है आज बहुत मजा आने वाला है सच में। बहुत दिनों बाद हम सब ऐसे मिले हैं ना। हाँ, जब तक पापा अपना प्रॉमिस याद रखे। तुमने ये घर नहीं देखा? नहीं, मगर बहुत अच्छा है, पापा ने कहा। कैसा है साथ इधर का? और अच्छा, पहले से तो और भी बेहतर। सही है, मुझे तो लड़कियों के पीछे भागना पड़ता है। क्या हुआ मेरे सपोर्ट को? कम ऑन, मैं तो हमेशा से तुम्हारी तरफ ही हूँ। तुम्हें पता है इस ट्रिप में बहुत सारी गर्ल्स हैं चुनने के लिए। काश मैं भी सिंगल होता। देखो वहाँ कोई खड़ा है। मुझे नहीं पता। Hey! क्या तुम्हें कुछ चाहिए? Hey! मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। Simon, ये साला घमंडी अपने आप को समझता क्या है इडियट? शायद वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। चलो चले। हाँ, चलो चले। ये सब क्या था? भूल जाओ। ये घर तो खंडहर है। 3 दरवाजे, ये तो नया है। सभी दरवाजे तो बंद है। अल्विन, क्या तुम्हारे पास चाबी है? नहीं। तो लूफ ने कैसे सोचा कि हम अंदर कैसे जाएंगे? उसने कुछ सोचा ही नहीं। मैं शायद ये ताले खोल सकूं। क्या? हाँ, इसकी जरूरत पड़ती थी बचपन में स्कूल में। तो तुम्हारे अंदर एक बंजारा भी छुपा हुआ है, मुझे ये पता नहीं था। ऑल द बेस्ट। मारी मारी इस तरफ।
क्या क्या हुआ? चलो चलो आओ। चलो डराते हैं एल्बिन को। हाँ पर कैसे? आओ देखो ये खिड़की खुली है, मैं तुम्हें अंदर पहुंचाता हूँ, फिर तुम बाहर का दरवाजा अंदर से खोल देना। मैं अकेले अंदर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं कमाल, पर मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तुम कर सकती हो। ओके अगर मेरा बैग ले लो तो। मार्कस यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। ये तो कमाल है। हेलो किसने कहा था मैं बेस्ट हूं और सबसे हैंडसम भी? क्या तुमने? क्या ये खुल गया? तुम कितने टैलेंटेड हो जानू? ये कुछ ज्यादा हो गया, शायद मैंने दया स्टाइल में दरवाजा तोड़ दिया होता। हाँ फिर जंगल के मोटे मच्छर हमें खा गए होते। क्या हम चले? तो ये है जंगल हाउस। क्या कुछ अजीब सी महक आ रही है? क्या जगह है ये?
सोचो वो इसे ऐसा ही छोड़ के चले गए। हाँ सच में। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम अंदर कैसे आए? तुमने वाकई मुझे हिला दिया। मेरा आइडिया, तुम फंस गए। लीना भी डर गई और मैं भी। कैसा डर आया? मजा आया? अरे मुझे तो कुछ भी हो सकता था। कसम यहां भी शुरू हो गया। सभी लोग डर गए। आज रात तो अरे मैं तो सोच रहा था। अरे नहीं जरूर चलता, सब लड़कियां डर गई इतना सोच रहा था तो क्या ऊपर चले गए। नहीं सब बड़ा परेशान हो गई थी। देखते हैं डर के लगे था तो आया ना। क्या होने वाला है यार? मैं तो चुप जा। हां नहीं ऐसे जगह कमाल की है। मेरे डैड ने बढ़िया किया ना? एकदम बढ़िया। कितने साल पहले हमने ऐसे छुट्टियां बिताई थी। ये लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। टोफ के लिए अच्छा है कि उसे उसकी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। हम सोएंगे कहाँ? नहीं जरूरत नहीं, हम सोने वाले थोड़ी हैं। हम नहीं सोने वाले। ये अजीब है, तुम्हारी फैमिली कितनी अलग है। क्या मेरे पेरेंट्स तो कुछ भी नहीं करेंगे हमारे लिए? हाँ शायद, हम नहीं चुन सकते अपने माता पिता। हाँ वाओ। तो हम यहां सोएंगे आज रात। पिंक, ये तो मेरा कलर है ना? अब तुम क्या सोच रही हो? पता नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? हम तो एल्बिन को डराने वाले थे, क्या हुआ? पता नहीं, तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही। क्या कुछ सीरियस है? कम ऑन, हमें यहाँ अच्छा वक्त बिताना है, तुम बीमार नहीं हो सकती। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मैं अंदर जाती हूँ। मैकी, तुम्हें चाहिए तुम्हारा बैग या नहीं? मुझे चाहिए कोल्ड ड्रिंक। कमाल की जगह ढूंढी है पिकनिक के लिए पापा ने। एक मिनट दीदा। दोस्तों लीना है यहाँ, छोड़ो मार्कस को। शायद इसकी जरूरत पड़े। थैंक्स थैंक्स। कितना बढ़िया लग रहा है पिकनिक पे इस तरह मिलने से फिर से। बहुत पहले एक साथ मिले थे। मेरा मतलब मारी इतने सालों से जापान में सेटल होने की बात कर रही है, 5 साल से वो फंस गई है लेकिन हमारे साथ। ओ मजाक छोड़ो, चीयर्स करो। चीयर्स मारी के लिए। टेस्टी। ओ ये तो बहुत जरा पास कर इधर। बहुत बढ़िया ड्रिंक है। हां मैं देख, मुझे भी दो, मुझे भी दो। वैसे अच्छा लग रहा है ना? भी एकदम अलग सा, बिल्कुल जंगल के अंदर। हां बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। इतने सालों बाद। अच्छा मारी की वाइन तो बहुत अच्छी है। अरे तुम मेरी बात तो सुनो यार। हां और नहीं तो क्या। चुकी हो आप तक? मुझे बाथरूम जाना है। देखा, ज्यादा पीने के बाद यही होता है। इसकी तबीयत को भी अभी खराब होना था।
मुझे बहुत खराब लग रहा है। बैटरी खत्म। तुमने मुझे डरा ही दिया। क्या तुम यहां से हटोगी मारी? चलो दूसरों को भी जगह दो। सुनो मारी, कम ऑन जवाब तो दो। ये साला हो क्या रहा है? अरे नहीं, अल्विन यहां इसे बांधने के लिए कुछ लाओ। सीधे बैठो तुम। तो क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हे भगवान, इसने मुझ पर थूक दिया। लीना, कोई टॉवल या बैंडेज लेकर आओ, मुझे खून रोकना है। संभालो अपने आप को टॉव। मुझे ये मिला।
ये ठीक है? नहीं, इसका ऊपर का होंठ फट गया है। इसे जल्दी ले जाना होगा हॉस्पिटल। मुझे मदद करनी है साइमन की। कहाँ है मार्कस? पता नहीं, शायद वो बाहर गया होगा। मारो मारो मुझे मारो। चुप रहो, तो मारो, चुप करो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूं। हे भगवान। अभी मुझे एक और धासु आइडिया आया। अबे तुम आखिर थे कहां? आखिर यहां हुआ क्या? रहा मारी से। ये बंदी हुई क्यों है? ये बिल्कुल पागल हो गई अभी। ओके मैरी को ये क्या हुआ बताओ। ये ऐसे कैसे हो गई? ये सीढ़ियों से नीचे आई और मुझ पर हमला कर दिया पता नहीं क्यों। अल्विन पीछे 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 जाओ। क्या तुमने उसकी आंखें देखी? हे भगवान तुम्हें हुआ क्या है? क्या इसे रैबिस हुई है या? रैबिस? क्या ऐसा होता है रैबिस से? क्या इसने ड्रग्स लिए? ड्रग्स से ऐसा होता है कभी क्या? दरवाजे को अभी खोलना मत। बाकी सुनो, मार्कस किचन में जाओ अभी। साइड का दरवाजा बंद करो और मेरे पीछे खड़े रहो। मेरे पीछे अभी। मुझे दो वो टॉवल। तुम दोनों चुप रहो, मैं संभालता हूं। कौन? सुनो, क्या अंदर सब कुछ ठीक है? हाँ, क्यों नहीं होगा। तुम्हें मुझे अंदर आने देना होगा। किस लिए? मुझे तुम्हारी दोस्त को देखना है। आखिर तुम हो कौन? क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे थे? अंदर को प्लीज। सच्चाई ये है, मैं यही पास में ही था और ये शोर सुनकर यहां आ गया। मुझे अंदर आने दो। देखो, मुझे पता नहीं तुम कौन हो और तुम यहां राइफल लेके खड़े हो। यहां से चले जाओ। बात हो गया, मुझे अंदर आने दो। अरे नहीं, शांत रहो। वो कहां है? दरवाजे के पीछे। सुना क्या? हाँ नहीं, ये लड़की मर चुकी है। क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये तो यहां जिंदा बैठी है हमारे सामने। ये अब कुछ और बन चुकी है। बहुत देर हो गई, इससे छुटकारा पाना होगा। देखो शांत रहो, अगर तुम्हें कुछ पता है इस बारे में तो हमें शांति से समझाओ। पीछे हटो, हटो पीछे, बाहर खड़े रहो, साइड में खड़े रहो, उधर चलो भी। ये कौन, ये क्या? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। कुछ दिन पहले मेरी बीवी और बेटी यहां आए थे जंगल में। टच में रहना जब तुम तैयार हो रहे हो, ताकि हम फिर यहाँ मिल सके। हाँ जरूर, पर क्या तुम्हारे लिए ठीक होगा? हाँ, तुम पकड़ो मछलियाँ और हम इंतजाम करते हैं मशरूम्स का। ओके। हम वहां से अलग हुए। मैं मछलियाँ पकड़ने गया और कैरिन और लीसा लेने गए मशरूम्स। यहाँ जंगल के मशरूम्स पता है ना, पीले और मुलायम होते हैं। हाँ, पापा मुझे पता है। ठीक है, गुड लक, बाय। ध्यान रखना, फिर मिलते हैं। ख्याल रखना अपना।
और फिर उन्हें ये घटिया घर मिला। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर कुछ बहुत अजीब सा था। उसकी आंखें में, वो कोई और ही थी। पर तुम्हें एग्जैक्टली पता क्या है? ओके, मेरे दादाजी ने कहानी सुनाई थी मुझे बचपन में, एक कीवदंती ऐसे प्राणियों के बारे में जो जमीन के अंदर रहते हैं। अगर तुम इनके इलाके में आ जाते हो तो सब कुछ खराब हो जाता है। मुझे बताया कि अगर वैसा विचित्र प्राणी तुम्हें दिखाई दे तो पलटो वहां से और तेजी से भाग जाओ। वो इतने ताकतवर हैं कि अगर तुमने उनकी आंखों में देखा तो तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं। एक मिनट, राइफल वाले बाबा जी, क्या भूत चुड़ैल की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो? कहानी नहीं, सच है, और यहां पर वही हुआ है। क्या हुआ तुम्हारी फैमिली को? वो नहीं रहे, वो मरने से पहले लीजा ने उसने मेरे कानों में धीरे से कहा, मामा, और मुझे घर मिला। हम तय खाने में गए, अचानक पापा यहां। इस लड़के के साथ भी वही हुआ जो मेरे दादाजी ने बताया था, जैसा मेरी बीवी और बेटी के साथ हुआ वैसा ही। अच्छा, तो तुम कह रहे हो मारी को? सुनो मेरी बात, ये लड़की मर चुकी, इसके शरीर को शैतान ले चुका। यहां पर अब सब खतरनाक होगा, तुम्हें बुलानी होगी पुलिस। पर सबसे जरूरी ये है, इसे अब छुटकारा पा लो। हाथ मत लगाना मारी को, इसे हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। कोई डॉक्टर इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्या कोई इसके संपर्क में आया है जब से यह ऐसी विचित्र हुई है? हाँ, हम सब इसके पास ही में थे। क्यों? नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मेरा मतलब, अगर इसका खून तुम पर गिरा या इसने तुम्हें खरोचा या काटा, अगर एक बार इससे संपर्क हो गया तो यह फैलता जाता है। तुम सब भी ऐसे ही हो जाओगे। इसे खत्म करना होगा, बेहतर होगा इसे जला दो। ये पागलपन हम नहीं करने वाले। नहीं, हम बुला रहे हैं एक एम्बुलेंस। अरे नहीं,
चलो चलो मुझे अबे अबे नहीं मुझे नहीं नहीं क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? कहाँ है तू? वो तो बिल्कुल विचित्र पागल हो गई, मुझ पर हमला किया, खिड़की से बाहर कूद गई। यहाँ साला कुछ भी ठीक नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? इदा, यहाँ आओ, हम जा रहे हैं। साइमन रुको, मुझे बुलानी होगी पुलिस। ओह कम ऑन साइमन, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो हम सब भी चलेंगे। देखो मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं, ओके? जो मैं कह रहा हूँ करो और यहाँ से निकलो। हमें मदद चाहिए, कुछ समझ भी नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पर हमारे पास नहीं कोई और रास्ता। चलो यहाँ से। साइमन छोड़ो उसे। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने सुना, ये तुम तय नहीं करोगे कि इदा को क्या करना चाहिए। मैंने पुलिस से बात की और उन्होंने कहा किसी को उनके पास जाना होगा मिलने कार में। ठीक है तो मैं जाता हूँ, यही रुको और सड़ो तुम सब, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। अरे ये आइडिया तो कमाल होगा, तुम तो मेरे साथ नहीं आ रहे कभी भी। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। नहीं, तुम यही रहोगी। सुनो ये बेहतर होगा, अगर हम दो हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो चलो। देखो इधर स्वीटहार्ट, सब कुछ ठीक होगा, आई प्रॉमिस। तुम लोग होशियार रहना। हाँ पापा। हेलो, क्या अभी भी लाइन पर है? हेलो, सुनाई दिया क्या? हाँ सुनाई दिया। क्या तय किया? हम में से दो लोग मिल रहे हैं आपसे हमारी कार में। कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ चेक कर लेता हूँ। क्या जरूरी है? बस यहीं पर, मेरे करीब रहो। ये इसे पकड़ो। इसका मैं क्या करूं? काम आएगा। इसे मैं लेता हूं। ये क्या है? नहीं, ये तो चिड़िया है। विचित्र है, क्या इन्होंने एक दूसरे को खा लिया है? चलो आ रहा हूं।
साली डायन विचित्र शैतान चुड़ैल, तुझे अभी खत्म करना होगा। रुक चुड़ैल। हाँ पकड़, हाँ, पकड़ रही है राइफल, पकड़। रुक अभी बताता हूं। ओ नहीं, मेरे साथ नहीं, नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं, नहीं। मैं भी नहीं, नहीं। ओ करन लीसा, साइमन, मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं हूँ। हम रुक नहीं सकते, तेज चलो, चलते रहो। दिखाई नहीं दे रहा है, तुम मेरे आगे हो फ्लैशलाइट के साथ। यह चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। ओके, इधर आओ, साथ रहते हैं। ये शायद गलत वक्त है, पर मुझे कुछ पूछना है। क्या? रुको एक सेकंड, क्या हुआ है? बात क्या है? कुछ भी ठीक नहीं। मुझे पता है तुम शॉक्ड हो जब से ये सब हुआ है। मैरी और तोव, मैं उन्हें नहीं जानता, पर मैं खुद भी खराब महसूस कर रहा हूं। जब से ये सब हुआ, सब ठीक हो जाएगा।
हम जा रहे हैं पुलिस के पास। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। ओ नहीं, वहीं रुको। क्या हुआ? वहीं रुको। हुआ क्या? मेरे करीब मत आना। मेरे कारा वहीं रुको। साइमन क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। क्या पागल हो गए हो? तुम मुझे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। ओ नहीं, मैंने कहा था दूर रहो मुझसे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लेटना होगा। क्या तुम्हें चाहिए कोई ड्रिंक? मैं तो गया है ना, मैकी से पियो। मैकी ध्यान से सुनो, पुलिस यहाँ आती ही होगी, सब ठीक हो जाएगा। मैकी मैं कह रहा हूँ सब ठीक होगा, सुना तुमने? तुम अब तक यहाँ क्यों हो? सुनो, पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँचती होगी। मरी गई। क्या? मरी चली गई। क्या मतलब गई? बारकस उठो वहां से और भागो। सरवन, सरवन। अरे मेरा खून निकल रहा है। क्या वो मेरी? पता नहीं। क्या करें अब? रुको, इधर वहीं रुको। इधर वहीं रहना।
एल्विन गधे कहीं के, यहाँ आओ। नहीं, नहीं। मेरी तरफ देखो, हमें जाना होगा, हम नहीं रुक सकते। कहाँ है तुम्हारा फोन? वहां सोफा पे शायद। ओके चलो। क्या हमें इंतजार नहीं करना था? नहीं, हमें निकलना होगा, हम जंगल के रास्ते से बाहर जाएंगे। एल्विन उठो, यहां से जाना है। ये तो और भी खतरनाक है, अंदर चलो।
ईदा, तुम कहाँ हो? ईदा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। साइमन, पुलिस साथ है क्या? कहाँ है लीना? मैंने कहा खोलो इसे, खोलो इसे। ओ नहीं, तू भी आ साले, आजा। मुझे माफ कर दो लीना, लीना मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। लीना प्लीज, नहीं नहीं, ऐसा मत करो लीना, ऐसा मत करो, मत करो। वो अभी भी बाहर है, मेरा ख्याल है वो मार्कस है। ये बहुत ऊंचा है, हमारी हड्डियां टूट जाएगी, हमें बाहर निकलना ही होगा, ये हमारा इकलौता चांस है। कैसे? हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।
अच्छा इदा, अब ऐसा करते हैं, हम अब पुलिस का और इंतजार नहीं कर सकते। मैं रस्सियां ढीली कर रहा हूं, अगर मार्कस बाहर है तो मैं उसे तभी मारूंगा। मेरे पीछे रहना और कुछ मत करना जब तक मैं कुछ ना कहूं। ओके ओके। ओके, हम यहाँ सड़कर नहीं मरने वाले, हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? चलो यहाँ से निकलते हैं। नीचे सीढ़ियों के नीचे जाओ। लीना, इधर ऊपर जाओ, फिर से ऊपर जाओ, जाओ जाओ जल्दी। और रास्ता ढूंढो। ऊपर इधर छोड़ो उसे, इधर Thank you.
एल्विन! Alvin. निकलो यहां से, अभी निकलो। मैं तुम्हारे पीछे हूं। मैं नहीं जा सकती। मैं नहीं कर सकता। मैं वहां आता हूं जल्द। चाहो तुम साइमन, साइमन, साइमन यहाँ आओ। Thank you.
ईदा, 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 हनी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कुछ कहो भी, कुछ कहो। एल्विन, 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 ईदा, thank you.
नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं
suffer be Ian Fall. Man glömmer stanna upp och ta.